हेलो बच्चों लेट्स दिस क्वेश्चन क्वेश्चन द द सेज ऑफ टेपवर्म आर तो क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं ए बी एंड सी तो इसकी मदद से हमें जो टेप है उसे आइडेंटिफाई करना है इफ इट इज ऑप्शन वन टू थ्री या फिर फोर तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कांसेप्ट रहेगा इट इज गोइंग टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेप वर्म यहाँ जो सबसे फर्स्ट वर्म हम देखने वाले हैं इट इजोलियम एंड शॉर्ट रिटर्न टी रिटर्नियम तो इसमें जो है मॉर्फोलॉजी यदि हम देखें तो हमें एक स्मॉल स्कोलेक्स देखने को मिलता है एंड एक रॉस्टल जिसमें कि प्रेजेंट होते हैं काफी सारे होस्ट इसकी यदि हम होस्ट देखें तो प्राइमरी होस्ट है है्यूमन वेर जो सेकेंडरी होस्ट है इट इज एंड यदि हम इसकी लेंथ देखें तो ये होता है टू टू थ्री मीटर लॉन्ग नेक्स्ट जो हम देखेंगे इट इज टीनिया सेगनेटा जिसे लिखते हैं टी सैगिनेटा इन शॉर्ट तो इसमें जो है हमें देखने को मिलता है स्कोलेक्स टिवली लार्ज बट इसमें जो रोस्टलम है यदि हम देखें कि होस्ट क्या क्या है तो सबसे प्राइमरी ह्यूमन, एंड जो सेकेंडरी होस्ट है इट इज कैटल। एंड इसकी देखें, तो इट कैन वेरी बिटवीन फाइव टू टेन मीटर इन थर्ड जो हम देखेंगे इट तो इज हम देखें तो वो होते हैं ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट हो सकता है फॉक्स या फिर डॉग एंड लेंथ यदि हम देखें तो ये काफी स्मॉल होते हैं दैट इज दे आर टू टू सिक्स एम एम इन लेंथ फोर्थ एंड लास्ट जो हम देखेंगे इट इज हाइमेनोलिपिस नेना रिटर्न तो इसमें भी हमें स्कोलेक्स देखने को मिलता है रोस्टेलम भी जिसमें लगे होते हैं काफी सारे हुक्स एंड यदि हम इसकी लेंथ देखें तो दे आर 40 एम एम इन लेंथ तो अब यदि हम क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट्स को देखें ए हमें स्टेटमेंट दिया है बट रोस्टेलम एंड होबसेट होते हैं बी हमें दिया है प्राइमरी होस्ट पैन एंड सेकेंडरी होस्ट कैटल तो ये कॉम्बिनेशन भी हमें टीनिया सिग्नेटा में ही देखने को मिल रहा है थर्ड है लेव टू टेन मीटर्स ये भी जो है हमें टीनिया सिग्नेटा में देखने को मिल रहा है तो इसकी वजह से जो क्वेश्चन का आंसर है इट इज टीनिया सिग्नेटा यानी क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होने वाला है इट इज ऑप्शन नंबर टू जिसमें हमें ये तीनों ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे दैट इज टीनिया सिग्नेटा होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक